Question is, if two parallel lines are intersected by a transversal, prove that the bisectors of interior angles on the same side of transversal intersect each other at right angle. तो हमने यहाँ पे दो parallel lines ले लिए हैं ए बी एंड सी डी, और उन्होंने बोला है कि इसको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है. तो मतलब ये लाइन है एफ ई, ये इसको इंटरसेक्ट कर रही है, दोनों लाइन्स को एट पॉइंट एम एंड पॉइंट सी. हमें प्रूव करना है कि ये जो इनके एंगल बाइसेक्टर्स है, तो यहाँ से ये जो एंगल है इसका ये एंगल बाइसेक्टर है, एंड इस एंगल का ये जो एंगल बाइसेक्टर है ये राइट एंगल पर मीट करते हैं. तो मतलब वी हैव टू प्रूव, ये लिख लेते हैं हमें क्या प्रूव करना है. सो वी हैव टू प्रूव दैट एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री. ओके, हमें ये प्रूव करना है. अब हमें पता है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या होता है ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, 180 डिग्री के इक्वल होता है. तो मतलब एंगल बी एम एन, इस पूरे एंगल का सम प्लस इस पूरे एंगल का सम किसके इक्वल होगा, 180 के इक्वल. तो यहाँ से लिख सकते हैं एंगल बी एम एन प्लस एंगल डी एन एम, इनकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, 180 की इक्वल. अगर हम इस पूरे को हाफ कर देते तो यहाँ आ जाएगा हाफ ऑफ एंगल बी एम एन प्लस हाफ ऑफ एंगल डी एन एम, दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री. अब बी एम एन का हाफ क्या है, सो बी एम एन, इसका हाफ क्या है, पी एम एन. ठीक है, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर मतलब एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एंगल पी एम एन, और एंगल डी एन एम का हाफ क्या है, एंगल पी एन एम. ओके, तो इसका इक्वल, एक इसकी इक्वल है एंगल पी एन एम, एंड दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री. ओके, तो इन दोनों का सम 90 डिग्री के इक्वल आ गया. अब अगर हम इस ट्रायंगल को, यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है ना, ट्रायंगल पी एम एन, तो अगर हम इस ट्रायंगल को लें, हमें पता है ट्रायंगल के सब एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है. बाय एंगल सम प्रॉपर्टी मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री. अच्छा, यहाँ पे हमने एंगल पी एम एन को माना है एंगल 1, तो इसकी जगह लिख लेते हैं एंगल 1, एंड एंगल पी एन एम इज एंगल 2. तो एंगल 1 प्लस एंगल 2, दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री. ठीक है, अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 हमें 90 डिग्री दिया हुआ है, तो ये आ जाएगा 90 डिग्री प्लस एंगल 3, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो यहाँ से एंगल 3 की वैल्यू क्या आ गई, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री. तो मतलब एंगल 3 की वैल्यू क्या आ गई, 90 डिग्री. तो दैट मीन्स एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री. सो दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन.